25 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में लोकायुक्त की जांच के घेरे में आई जीएस विल्सन पर संभाग आयुक्त के निर्देश पर 3 महीने में जांच किए जाने के आदेश करीब साल भर पहले अपर कलेक्टर छोटे सिंह को दिए गए थे, लेकिन 1 साल बीतने के बावजूद भी आज तक सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग जीएस विल्सन के खिलाफ जाँच पूरी नहीं की गयी। वही शासकीय सेवा में रहते हुए जीएस विल्सन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के एमए विभाग की नियमित छात्रा है। नियम अनुसार शासकीय सेवा में रहते हुए कोई भी शासकीय सेवक किसी भी शिक्षण संस्थान का नियमित छात्र नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद श्रीमती जेएस विल्सन नियमित छात्रा के रूप में आरडीवीवी से एमए कर रही है, जिसकी शिकायत आज अखिल भारतीय इंजीनियरिंग छात्र संगठन ने जिला कलेक्टर महेश चंद्र चौधरी से करते हुए जेएस विल्सन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में जिला कलेक्टर का कहना है कि उन्हें आज शिकायत मिली है, जिसकी जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और जांच के बाद शिकायत सही पाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय इंजीनियरिंग छात्र संगठन ने विगत 3 वर्ष में हमने पूरे 2500 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा किया था, जिसमें इसी क्रम में जबलपुर में जो पदस्थ हैं पिछड़ा वर्ष सहायक संचालक श्रीमती जेएस विल्सन, उन पर हमने भ्रष्टाचार एवं अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जाँच जारी है। इसी क्रम में जो कमिश्नर साहब ने भी उनके ऊपर विभागीय जाँच करने के आदेश जारी किए थे और इसकी जाँच छोटे सिंह साहब को 3 महीने में करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन आज 1 साल बाद भी छोटे सिंह साहब उस रिपोर्ट को दबाए हुए हैं और विल्सन के संबंध में जितनी भी शिकायतें आती वो अपने पास दबा कर रख लेते हैं और उसको संरक्षण दे रहे हैं। हमने आज जो नया खुलासा किया है वो ये थिया कि विश्वविद्यालय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में सहायक संचालक जीएस विल्सन द्वारा रेगुलर छात्रा के रूप में प्रवेश लेकर के और एमए की परीक्षा दी जा रही है, एमए की परीक्षा में सम्मिलित हुआ जा रहा है और इधर पे सहायक संचालक के पद का दायित्व भी देखा जा रहा है। ये रेगुलर में किसी शासकीय सेवक का किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना ये संभव नहीं है और यह गंभीर अनुशासनहीनता मानी जाती है। इस संबंध में हमने शिकायत कलेक्टर महोदय को देकर कार्यवाही की मांग की है। अभी ये शिकायत मिली है और ये शिकायत को परीक्षण करके आगे कार्रवाई करवाते हैं। अब पूरा परीक्षण करना पड़ेगा मामले का, अभी केवल शिकायत मिली है, आगे इसको परीक्षण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, जबलपुर।